एक बार न्यायाधीश महादेव रनाटे ट्रेन में सफर कर रहे थे कि तभी उनकी पास की सीट पर आकर एक अंग्रेज व्यक्ति बैठ गया। उस अंग्रेज से एक भारतीय का उसके पास बैठना देखा नहीं गया और गुस्से में वह बोला कि जब भारतीयों के लिए एक अलग कोच दिया गया है तो फिर तुम क्यों इस कोच में सफर कर रहे हो, उतर कर जाओ और अपनी कोच में बैठो। रनाडे ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चुपचाप बैठे रहे। उस अंग्रेज को और गुस्सा आया और उसने रनाडे का सामान उठाकर कोच के बाहर फेंक दिया। रनाडे चुपचाप उठे और प्लेटफॉर्म पर से अपने सामान को उठाने लगे। उनको देखकर आसपास के लोग दौड़कर आए और उनका सामान उठाने लगे और उनसे पूछा, ऑनर, क्या आपको इसी स्टेशन पर उतरना है? रनाडे ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं से चढ़कर जा रहा हूं। यह सुनकर लोगों ने पूछा, आपका सीट नंबर कौन सा है? जवाब मिलते ही लोगों ने उनका सामान उनकी सीट पर पहुंचा दिया। लोगों द्वारा रनाडे को मिले इतना सम्मान और आदर को देखकर उस अंग्रेज ने एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है। उस व्यक्ति ने कहा कि यह न्यायाधीश है। यह सुनकर अंग्रेज दंग रह गया। उस व्यक्ति ने रनाडे से कहा, ऑनर, यदि आप मुझे पहले बता देते कि आप न्यायाधीश हैं तो मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, मुझे क्षमा कर दें। रनाडे ने कहा, भाई, तुमने मेरे पद को सम्मान दिया है, ना कि एक मनुष्य को। जब तक मैं न्यायालय में हूं तब तक ही एक न्यायाधीश हूं, नहीं तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। आपको भारतीयों को बेइज्जत करके खुशी मिलती है तो कर लीजिए, मैं भी एक भारतीय हूं। यह सुनकर अंग्रेज ने अपना सर झुका लिया। दोस्तों, बाइबल एक दूसरे को आदर और सम्मान देने के बारे में कहती है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो।